हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। माफ़ी चाहते हैं, बहुत टाइम हो गया हमने वीडियो नहीं पोस्ट की, क्योंकि कोई ऐसी वीडियो नहीं मिल पाई कि हम पोस्ट कर पाएँ आपके लिए जो आपके लाभदायक हो, आपके काबिल हो। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, भारत ATM, जिसमें बहुत सारे आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। जैसे कि वो उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप इसमें बैलेंस चेक कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारे उसमें सुविधाएं ETC। और ज़्यादा ना समय लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद मैं आपको सर्च करना होगा भारत ATM, देख लीजिए ये येलो कलर है, भारत ATM न्यू बैंकिंग कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ, सॉरी डाउनलोड कर ले चुका हूँ उसको पहले से। तो यहाँ पे आप देख, सबसे पहले किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसको आप थैंक्स कह सकते हैं, अलाउ कर लें आप कंडीशन इसके। नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ हूं दीपू। इस तरीके से क्या आप एक दुकानदार हैं? अगर हैं तो आप अपने वीडियो देश चलेगी, मदद आप कर इसको सकते हैं। गेट जी स्टार्ट हाँ, पे कर सकते हैं। लोगों को भीड़ वाली जगहों से जैसे कि बैंक्स, ATM। अब जबकि हमने यहाँ पे गेट स्टार्ट पे ओके कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो आएगी किसी की भी आ सकती, कोई भी सेलिब्रिटी हो सकती की वीडियो देगा। यहाँ पे लोकेशन पर कर दें और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो, मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपको आपका आप रखना चाहते हो। और सबसे पहले बात, आप मोबाइल नंबर डाल दें अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद में वेरीफाई कर दें, और वेरीफाई करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे एक OTP आएगा, जो कि यहाँ पे टाइमर चलेगा 30 सेकंड तक, OTP आएगा, OTP आपको डालना है, ठीक है? तो यहाँ पे अलाउ कर दें, OTP आ जाएगा, वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद में आपका फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम होगा वो आप डाल दें, ठीक है? फर्स्ट नेम डालने के बाद लास्ट नेम डाल दें और ईमेल एड्रेस डाल दें। ये डालने के बाद में आपको नेक्स्ट करना होगा। इसमें चार स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। शॉप का नाम, आप शॉप का नाम लिख सकते हैं, अपने नाम से भी लिख सकते हैं आप, और अदरवाइज़ हमारा ई मित्रा का ज़्यादातर काम है तो हम ई मित्रा लिख देते हैं, ई मित्रा शॉप। और यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से तो यहाँ पे इनमें से अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका जो आपसे मिलता जुलता हो नहीं है, तो आप उसमें अलग से कर सकते हैं, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास है तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, GST नंबर है तो आप डाल दें, नहीं है तो आप नेक्स्ट कर दें और इसको आप ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना पिन कोड एरिया ज़रूर डालें। पिन कोड एरिया डालने के बाद में लोकेशन ऑटोमेटिक है जो वेरीफाई हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? और यहाँ पे आप इस तरीके से सेट करके, और जो कि पोस्ट ऑफिस हमारा जो पड़ता है वो हमने डाल दिया। उसके बाद आप नीचे एक लोकेशन डालनी जहाँ पे आपकी शॉप के आसपास, तो हमने डाल दिया अपना नाम गांव का, तो उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा, पैन नंबर ज़रूरी है इसमें, कंपलसरी किया हुआ है। और उसके बाद अपना एक आधार नंबर डाल दें, ये डालने के बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें और रिक्वेस्ट OTP पे कर लें। अब फिर दोबारा से एक OTP आएगी, वो OTP उस पर आएगी और इसमें कंडीशन दी हुई है कि
जो नंबर आपका यहाँ मोबाइल में मौजूद होना चाहिए, ठीक है, तो OTP हम डाल देते हैं, ठीक है, और वेरीफाई पर ओके कर देते हैं। OTP उसी पे जाती है, और यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड, और यहाँ पे इस पे लिख सकते हैं कि हाउ टू यूज भारत ATM ऐप। तो आप इसको भी एक बार लर्न नाउ हाउ टू यूज एंड फंक्शन, इसमें आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसका दिया हुआ है जो भारत ATM, इसमें आप जाके देख सकते हैं इससे रिलेटेड वीडियो, नहीं तो आप गो टू डैशबोर्ड में जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में आपको ओके कर दें, तो नो थैंक्स और नो थैंक्स कर दें, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, हम डैशबोर्ड में जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं की इसमें और ये जो ID है वो एयरटेल पेमेंट की तरफ से दी जाएगी। अभी इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि वेरिफिकेशन ने कर दिया है, और कुछ ही जो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट डालूंगा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जो होगा उसमें बताऊंगा किस तरीके से उसमें आपको लॉगिन करना, पासवर्ड किस तरीके से मिलता है। कुछ टाइम लगता है क्योंकि वही ऑप्शन आ चुका है दोबारा से। तो आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।